महिला यात्री से छेड़खानी के आरोपों में घिरे जेडीयू विधायक सरफराज आलम के खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई की है। पार्टी ने विधायक को निलंबित कर दिया है। पार्टी की बैठक से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्रवाई के संकेत दिए थे। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, विजेंद्र यादव जी भी थे, आरसीपी सिंह जी भी थे, सभी लोग थे। ये फैसला लिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में कि सरफराज जी को सस्पेंड किया जाएगा उनके आचरण के चलते, उनके व्यवहार के चलते। सरफराज आलम पर दिल्ली के रहने वाले इंद्रपाल सिंह बेदी ने आरपीएफ से लिखित शिकायत की थी कि 17 जनवरी को गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस से कटिहार से पटना लौटते हुए विधायक सरफराज आलम ने उनके और उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की। 18 जनवरी को विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जेडीयू की कार्रवाई के बाद जेडीयू विधायक पटना जीआरपी थाने में पेश हुए, जहां उनसे पूछताछ हुई। वो झूठ क्यों बोल रहा है कि सच क्यों बोल रहे हैं, वो आएंगे तो बताएंगे ना कि वो थे कि नहीं है। लेकिन ये मैं बता दूं कि आरोप कहीं भी छेड़खानी का नहीं है। आरोप है कि उन्होंने मेरी पत्नी के साथ मिसबिहेव किया था। आप नोट कर लीजिए, एफआईआर में आरोप है उन्होंने मेरी पत्नी के साथ मिसबिहेव किया था, बस। वहीं बीमा भारती के मामले पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि रिपोर्ट देखने के बाद कार्रवाई होगी। बीमा भारती के मामले में क्या निर्णय लिया? देखिए, अभी तक रिपोर्ट का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, चूंकि वो प्रशासनिक भी मामले हैं, तो वो रिपोर्ट यदि आ जाता है 2-3 दिनों के अंदर तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सरफराज आलम पर कार्रवाई के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर नीतीश को निशाने पर लिया कि कुंभकर्ण नींद माननीय मुख्यमंत्री जी का खुला तो समाज, सामाजिक और सोशल मीडिया, मीडिया के दबाव में एक सरफराज को उन्होंने चिन्हित किया, लेकिन हर दिन जो सरफराज नुमा, मैं इस सरफराज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, चाहे राजनीति से जुड़े रहें चाहे गैर राजनीति से, कितने सरफराज को चिन्हित करेंगे ये आगे देखना है। पटना में अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद तल्ख अंदाज में नजर आए। कारोबारी से लेकर बिल्डर तक सभी को सीएम ने सख्त अंदाज में नसीहत दी। बड़े टैक्स के विरोध पर कारोबारियों को सीएम ने दो टूक कहा कि आपको जो करना है कीजिए, बड़ा टैक्स वापस नहीं होने वाला। जो करते रहना करते रहिए ना, टैक्स उक्स बढ़ जाता तो उसी पर आप लोग अधिक दीजिए। तो हमको जनता ने वोट दिया तो टैक्स हम नहीं बढ़ावेंगे, तो आप तय करिएगा, कहीं बढ़ावेंगे कहीं घटावेंगे, तो मेरा काम है, पॉलिसी इशू है। इसका फैसला तो 5 साल पर होता ही है, 5 साल के बाद फैसला कर लीजिएगा, लेकिन आज जरूरी है तो टैक्स बढ़ावेंगे, कुछ करेंगे, ये काम तो हमारा है ना। कभी टैक्स रिलीफ दिए, कभी टैक्स बढ़ाएंगे, ठीक से चलिएगा तो फिर रिलीफ बाद में मिलेगा। ऐसा कहीं होता है खाली रिलीफ ही मिलता है? सब रिलीफ देंगे तो आसमान से पैसा बरसेगा, जैसे पानी बरसता है आसमान से पैसा आएगा। सरकार के काम चलाने के लिए पैसा नहीं आएगा, खाली घर में रखने के लिए है पैसा, उसका एक हिस्सा सरकार को नहीं दीजिएगा। कारोबारियों के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बिल्डिंग बायलॉज पर बिल्डरों को भी नसीहत दी। वहीं सीएम ने अग्नि सुरक्षा कर्मचारियों और अधिकारियों को भी हिदायत दी। दरभंगा के बाजितपुर ओपी थाना में आक्रोशित लोगों ने थाना प्रभारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुस्साई भीड़ ने थाने में तोड़फोड़ की। महिलाओं की भीड़ ने थाना प्रभारी की भी पिटाई कर दी। पुलिस के जवानों ने थाने में बंद होकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हालात को देखते हुए दरभंगा के सिटी एसपी के साथ 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। सिटी एसपी के मुताबिक 2 दिन पहले अबाजीतपुर ओपी के तरियंती गांव में एक भट्टा मजदूर की हत्या हो गई थी, जिसमें 3 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया। पुलिस ने एक आरोपी सरपंच पति को तो गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी के आरोपियों को छोड़ दिया गया। लोग इसी बात पर नाराज थे। थाना प्रभारी विनोद प्रसाद सिंह को निलंबित कर दिया गया है।
पटना में ज्वेलर रविकांत हत्याकांड का मुख्य आरोपी दुर्गेश का शूटर कर्मू राय को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रविकांत हत्याकांड में कर्मू मुख्य शूटर था। कर्मू की गिरफ्तारी फतुहा थाना के भगवानपुर गांव से हुई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद कर ली है। रविकांत की हत्या रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने बीते शनिवार को कर दी थी। इस मामले में 9 आरोपियों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। पटना पुलिस ने कुख्यात कुंदन सिंह और उसके दो गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरोह अपने विरोधी गुट के सरगना प्रमोद सिंह की हत्या करने की फिराक में था। कोतवाली थाना क्षेत्र से इन तीनों की गिरफ्तारी हुई। इनके पास से 2 पिस्टल समेत 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक साइको किलर कुंदन सिंह 2012 से अब तक 4 लोगों की हत्या कर चुका है। पटना रेल पुलिस ने चोरी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला पर एक यात्री का मोबाइल चोरी करने का आरोप है। वही महिला ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। इसके साथ ही उसने शिकायतकर्ता आशुतोष सिंह पर ही छेड़खानी करने का आरोप लगाया। रेलवे की परीक्षाओं में उम्र सीमा घटाने के विरोध में एनएसयूआई के छात्रों ने पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर रेल परिचालन को बाधित कर दिया। इस दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार और रेल मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि रेलवे की परीक्षाओं में उम्र सीमा की कटौती से छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। छात्रों ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की। मधुबनी के जयनगर स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। नई दिल्ली से चलकर जयनगर स्टेशन पर पहुंची स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट ट्रेन पटरी से उतर गई। घटना उस वक्त हुई जब ट्रेन की शटिंग की जा रही थी। गनीमत यह थी कि कुछ देर पहले सारे यात्री ट्रेन से उतर चुके थे और बोगियों को इंजन से अलग कर दिया गया था। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मनेर में NS-30 पर एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में PMCH में इलाज के लिए भर्ती कराना पड़ा। बताया जा रहा है कि असादिकपुर पंचायत के पंचायत शिक्षक श्री भगवान मनेर ब्लॉक में जनगणना का रिपोर्ट जमा कराकर अपने साथी के साथ लौट रहे थे, तभी ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी जिसमें उनकी मौत हो गई। मृतक के परिवार वालों ने सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की। नालंदा में दहेज हत्या के मामले में छापेमारी करने गए पुलिस दल पर अभियुक्तों ने हमला किया। आरोपियों ने पुलिस को देखते हुए फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने एक युवक को भी गोली मार दी। घटना रहुई थाना के डेढ़ घारा गांव की है, जहां पुलिस दहेज हत्या के मामले में छापेमारी करने के लिए गई थी। फायरिंग की आवाज सुनकर पड़ोस के लोगों ने चोर समझकर शोर मचा दिया। इसी दौरान एक युवक घर से बाहर आया, जिसे आरोपियों ने गोली मार दी और वो फरार हो गए। बेगूसराय में बीजेपी नेता प्रीतम के अगवा होने की हाई प्रोफाइल खबर प्रीतम की लव स्टोरी निकली। यही नहीं, इसकी पूरी साजिश भी खुद प्रीतम ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए रची थी। इस मामले में पुलिस ने प्रीतम को सकुशल बरामद कर तमाम रहस्यों से पर्दा उठा दिया है। प्रीतम को अगवा करने के आरोप में कई निर्दोष लोग अभी भी जेल में हैं। हालांकि अब पुलिस प्रीतम को जेल भेजने की तैयारी में जुटी है। 18 जनवरी को प्रीतम के अगवा होने की FIR भगवानपुर थाने में दर्ज कराई गई। यही नहीं, संजाद गांव में प्रीतम की जली हुई बाइक भी मिली। प्रीतम की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस की कई टीम जगह जगह पर लगातार छापेमारी करने में जुटी है। कटिहार में बेकाबू हाथी को वन विभाग के कर्मचारियों ने गोली मार दी, जिसमें हाथी की मौत हो गई। हाथी को कटिहार के महेशपुर इलाके में गोली मारी गई। आपको बता दें कि यह हाथी पूर्णिया में उत्पात मचाते हुए कटिहार पहुंचा था और पोठिया गांव में 3 लोगों को कुचल दिया था। उसमें एक महिला और एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। पटना के शिवपुरी इलाके में आपसी विवाद में एक शख्स ने एक घर में आग लगा दी। हालांकि वक्त रहते स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझाने के बाद लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। दवा कारोबार के काले धंधे पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। दोषियों को सजा दिलाने के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने स्वास्थ्य विभाग को स्पेशल कोर्ट के गठन का प्रस्ताव भेजा है। यहां से स्वीकृति मिलने के बाद प्रस्ताव को लॉ डिपार्टमेंट भेजा जाएगा। PMCH में मारपीट करने वाले जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ प्रबंधन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। अब अगर जूनियर डॉक्टर या MBBS स्टूडेंट मारपीट में दोषी साबित होते हैं तो उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर खराब मार्किंग दिया जाएगा। कानून तो अपने तरह से काम करेगी ही, प्रशासन भी, कॉलेज प्रशासन भी उनसे स्पष्टीकरण पूछा है और इस तरह की कोई भी घटना इस कैंपस में नहीं हो, इसका स्पष्ट संदेश दे दिया गया है।
अगर ये लोग कहीं नहीं मानेंगे हमारी बात या कॉलेज प्रशासन की बात, नियम तोड़ेंगे, तो मैं उनके सर्टिफिकेट पर नोट कर दूंगा, मैं उनको सर्टिफिकेट पर अंकित कर दूंगा कि इन्होंने क्राइम किया है। पटना की सड़कों पर बस चालकों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। पैसेंजर चढ़ाने के चक्कर में जमकर नियमों की अनदेखी हो रही है। आलम यह है कि कई बार लोगों की जान जाते जाते बचती है। पटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। गांधी मैदान के सुभाष पार्क में आयोजित समारोह में राज्यपाल रामनाथ कोविंद और सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। राज्यपाल और सीएम ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। रांची में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पर आज पहाड़ी मंदिर पर देश का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा फहराया गया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बटन दबाकर तिरंगा फहराया। तिरंगा जमीन से 493 फीट की ऊंचाई पर है। पहाड़ी मंदिर पर इसे 293 फीट लंबे पोल पर लगाया गया है। आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि आज 23 जनवरी को रांची में मैं 26 जनवरी की उत्साह और एनर्जी देख रहा हूं। कार्यक्रम में सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। सभी बच्चे तिरंगे झंडे के रंग की पोशाक में थे। तिरंगा फहराने के साथ ही ग्लाइडर से फूलों की बारिश की गई। इसके बाद मुख्य समारोह मोरहाबादी मैदान के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में हुआ, जहां करीब 25,000 लोगों ने इस समारोह में शिरकत की। समारोह में रक्षा मंत्री के अलावा मुख्यमंत्री रघुवर दास और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई। इस मौके पर रघुवर दास ने कहा कि ये भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। हमने इसी सत्र से कोशिश कर रहे हैं, जब तक भवन के निर्माण नहीं होती है तो 2016-17 में जून जुलाई से ही भाड़े पे लेकर इस शक्ति रक्षा यूनिवर्सिटी का हम शुभारंभ करेंगे, ये मैं आज आपके समक्ष घोषणा करना चाहता हूं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने खूंटी में बनने वाले डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी ऑनलाइन शिलान्यास किया। गुजरात मॉडल पर बनने वाली इस यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी साइंस और इसके मैनेजमेंट की पढ़ाई होगी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत ने सूबे की रघुवर सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। सुखदेव भगत ने कहा कि रघुवर दास और मोदी सरकार के एक साल के कार्यकाल में अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए बेहतर संकेत नहीं है। खूंटी रांची मेन रोड पर कार और डंपर की टक्कर में बैंक कर्मचारी और उनकी पत्नी की मौत हो गई। रांची से खूंटी जा रही कार की खूंटी से रांची आ रही डंपर से सीधी टक्कर हो गई, जिसमें बैंक कर्मचारी अमित मिश्रा और उनकी पत्नी विनीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार डंपर के अंदर जा घुसी। खूंटी पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाल पाई। जमुई में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच दिनेश ताती को अगवा करने के बाद हत्या कर दी। दिनेश ताती का सिरकटा शव ताराटांड के जंगल में मिला। खैरा थाने के हरनी पंचायत के पूर्व सरपंच को शुक्रवार की रात नक्सलियों ने अगवा कर लिया था और आज सुबह सरकटा शव मिला। नक्सलियों ने वहां पर पोस्टर भी छोड़ा है, जिसमें पूर्व सरपंच पर पुलिस मुखबिरी करने का आरोप लगाया गया है। देवघर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर महेश कुमार बर्णवाल को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सुकर पालन योजना के तहत चिकित्सा पदाधिकारी लाभार्थी पंचू दास से 10,000 रुपए की घूस की मांग कर रहे थे। पंचू दास ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से कर दी, जिसके बाद टीम ने चिकित्सा पदाधिकारी को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 5,000 रुपए भी जब्त कर लिए। जो कहा जाए भैया जी, अब तो हमको ऐसा मेंटेलिटी का आदमी नहीं है, हमको पकड़ाए तो हम रख दिए, एकदम दिल की बात, हमने डिमांड भी नहीं किया। मेरे ऑफिस में आए हैं, हमसे बात हुई है, हम बोले कि नहीं सर। इस डाल्टनगंज के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि चौपन जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए। इस दुर्घटना में मालगाड़ी के 2 बोगियों को नुकसान पहुंचा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने नेताजी की जिंदगी से जुड़ी 100 फाइलें सार्वजनिक कर दी। इन सभी फाइलों की डिजिटल कॉपी को राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा जाएगा। पहली किस्त में 100 फाइलें सार्वजनिक की गई हैं, इसके बाद हर महीने 25-25 फाइलों को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने नेताजी से जुड़े पत्रों पर एक पोर्टल भी लॉन्च किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 फाइलों को सार्वजनिक करने पर कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया।
नेताजी के जीवन से जुड़ी फाइल सार्वजनिक करने पर केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने खुशी जाहिर की। बाबुल ने इसे अच्छी शुरुआत कहा। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपना वादा निभाया। सबसे अहम बात यह है कि ये तथ्य जो है देश के नागरिक से छुपाया क्यों रखा गया है, छुपा के क्यों रखा गया था, इसमें ऐसी कौन सी ऐसी तथ्य है जो लोगों के सामने आने से देश की क्षति हो सकती है, या कहीं पे क्या ऐसी बात है कि देश को जानने की अधिकार नहीं है नेताजी जैसे महान शख्सियत के बारे में। मेरे ख्याल से हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था कि ये जो इतने दिन तक अंधेरे में रखा गया था इन फाइल्स को, इनके ऊपर आलोकपात होगी और लोगों के पब्लिक डोमेन में इसे लाया जाएगा। आई थिंक दैट इज अ ग्रेट ग्रेट बिगिनिंग, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। संसद भवन परिसर में सांसदों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सभी पार्टी के नेताओं ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और गुलाम नबी आजाद ने भी नेताजी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली और नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज यूपी के महोबा में 7 किलोमीटर की पदयात्रा की। राहुल गांधी ने सूबे में सूखे से परेशान किसानों का दर्द जाना। राहुल ने इस दौरान पीएम मोदी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को देश हित में काम करने की सलाह दी। राहुल ने कहा कि पीएम उद्योगपतियों के साथ किसानों की भी सुधी लें। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उन्होंने भी वायदा किया था कि वो हिंदुस्तान के हर वर्ग को, हर कम्युनिटी को, किसान को, मजदूर को पूरी मदद देंगे। हुआ क्या कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो वो हिंदुस्तान के किसान को, बुंदेलखंड के किसान को भूल गए, हिंदुस्तान के मजदूर को, बुंदेलखंड के मजदूर को भूल गए। मैं चाहता हूं कि मोदी जी यहां आके अपने आंखों से देखें कि बुंदेलखंड में क्या हो रहा है। केरल में कोची मेट्रो रेल का ट्रायल रन किया गया। मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने मेट्रो मैन ई श्रीधरन की मौजूदगी में कोची मेट्रो परियोजना के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। कोची में 25 किलोमीटर रूट पर 3 कोच वाली पहली मेट्रो रेल दौड़ेगी। इसके कोच का निर्माण देश में ही किया गया है। पहले फेज में कोची मेट्रो के 22 स्टेशन बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 5,180 करोड़ रुपए है। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इसके लिए इंडिया गेट और आसपास के इलाकों को सुरक्षा किले में तब्दील कर दिया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर जमीन से आसमान तक हर जगह पहरा रहेगा ताकि कहीं से भी कोई चूक की गुंजाइश ना रहे।